सीतापुर विकास खंड सकरण के अंतर्गत गौशालाओं में मवेशियों की हालत बहुत ही बदहाल है। गौशाला चाहे विकास खंड सकरण के बघा ढाक का हो, चाहे ग्राम पंचायत कीर्तापुर का हो, चाहे ग्राम पंचायत देवतापुर का हो, सभी गौशालाओं में सही देखरेख न होने के कारण और खाने में केवल भूसा और पानी देने के कारण कमजोर होकर आए दिन गौशाला में मवेशी मर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन गौशाला में मवेशियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौशालाओं में केवल मवेशियों को भरपेट भूसा भी नहीं दिया जाता, क्योंकि जानकारी के अनुसार गौशाला में जब प्रधान द्वारा एक ट्रॉली भूसा गिराने पर लेबरों से यह कहा जाता कि आपको 15 दिन चलाना है। अब लेबर प्रधान की बातों पर ध्यान देते हुए मवेशियों को थोड़ा थोड़ा भूसा देकर जीवित रखते हैं। एक तरफ योगी सरकार मवेशियों की देख रेख और किसानों की फसलों का नुकसान न हो इसके लिए ज्यादातर ग्राम पंचायतों में गौशाला का निर्माण कराया और मवेशियों के लिए पानी के तरीके से पैसे खर्च कर रही है, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की लापरवाही के चलते कुछ मवेशियों की हालत बदहाल होती जा रही। बृहस्पतिवार को मीडिया टीम विकास खंड सकरण की ग्राम पंचायत बघा ढाक पहुंची। आपका क्या नाम? मनोहर। तो अमित अवस्थी यहाँ क्या करने आते हैं? आवत है खाली, जो है बहुत चाल बनाई जाते बस, और ले लेते हैं पैसा चलते हो। पैसा किससे ले जाते हैं? हमें तो प्रधान से नहीं, और किससे ले जी? प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का क्या नाम? कैलाश कुमार गुप्ता। तो उनसे अमित आते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं। कितने ले जाते हैं? अब जो कुछ नहीं दें, जो कुछ ले जाए। महीने में आते हैं कि हफ्ते में आते हैं? अब तो जो है महीना बाद या हफ्ता बाद या होते हैं, वैसे 15 दिन के बाद होते हैं। अब महीना बाद आते हैं दोस्त। जो भी है, चार कुत्ता जो भी कुछ है, मरे जानवरों को काट काट के खा के हम लोग खेतों में बेचते हैं। अच्छा अच्छा। ना तो हम खाना खा पाते हैं, ना कुछ खा पाते हैं, ना चारों के हम अपने लड़के बच्चों को बचाना मुश्किल हो चुका है जी। तो इतने हम दुखी हैं कि क्या करा जाए। अगर हम शिकायत करते हैं तो जो भी इंक्वायरी वाला आता है तो कहते बोलते थे हमारे पर मुकदमा लिख देते। अच्छा, मतलब आपके ऊपर उल्टे मुकदमा लिख देते। अच्छा अच्छा, हाँ यही है। और समस्या का अभी और हम कहाँ तक आगे बढ़े, और जिनको कहे तो कहते मुंह पर नहीं बांधा। जब रात के 11 बजे अलार्म थे, 12 बजे अलार्म थे, तो हमसे कितने 100 मीटर पर गौशाला है जी। हम तो देखते देखते यहाँ तक पहुँच जाते हैं जी। तो कहाँ तक हम निपट पाएंगे? अच्छा, आए दिन कितने जानवर यहाँ मरा करते हैं? 4 से 5 जानवर रोजाना मरते हैं। अच्छा अच्छा, देख रेख कोई नहीं होती यहाँ पे? देख रेख अच्छे से नहीं हो रही? देख रेख अच्छे से नहीं है यहाँ तक। अभी जानवर घसीट के जब आदमी ठा नहीं पाता तो चारों खैया खोदी उसमें बेंक दिया जाते हैं। तो धीरे धीरे पानी इतना बड़ा गंदा गया है कि यहाँ पानी भी पिए वाला जानवरों के काबिल नहीं है। ना जानवरों के पिए वाला काबिल रह गया है, ना आदमी के पिए वाला पानी है। सब पानी गंदा चुका है। प्रधान जी, ये जो गौशाला है आपकी, इसकी देख रेख आपके जिम्मे है। इसमें डेली 2 से 3 गाय एक्सपायर हो रही हैं, इनको उठा के फेंक दिया जाता है और हरा चारा नहीं दिया जाता है। और जो डेली दिया जाता है, हम लोग अभी देख के आए हैं। अरे देख आप आए, और आप आपके जो काम करने वाले हैं उन्होंने बयान भी दिए हैं, उनको सैलरी भी नहीं मिली है 6-6, 7-7 महीने से। सैलरी भी मिल गई और अच्छा। और ये जो चोकर वगैरह आती है, कभी दिया कुछ आपने? चोकर भी वो तो कह रहे हैं कि कभी नहीं आई है चोकर। चोकर दिया है नहीं, दिया तो फिर ये आपके काम करने वाले हैं क्यों कह रहे हैं कि चोकर नहीं दिया जाता है? सिर्फ भूसा दिया जाता है और चार अभी नहीं, डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, डॉक्टर साहब ने कहा कि 2-3 दिन से हरा चारा दिया जा रहा है, 2-3 दिन से। उससे पहले क्या सरकार पैसे नहीं दे रही थी? पैसे देती है आपके कार्यकाल में। सुनो तो हमारी बात। हाँ हाँ, मतलब कई 3-4 महीना बाद लेट आता है पैसा। अच्छा अच्छा, नहीं आपके कार्यकाल में गौशाला के नाम पे कितने पैसे आए हैं? कितने पैसे आपके आए हैं? आपने क्यों प्रधानी आपने चलाई है तो आपको नहीं पता है कितने पैसे मिले थे जब गौशाला बनाई गई? मान लिया 2-3 लाख पेमेंट मिला, 10-50 हजार रुपया मिल गया। मक्का हो, यानी आप ये नहीं, आप ये सखर रहे हो कि 10-50 हजार रुपये आपने खाए हैं? या आप कह रहे हो ना कि 2-4 लाख रुपए मिलते हैं, उसमें 10-50 हजार बच गए? ये चीज नहीं बता रहा मैंने। फिर क्या बता रहे हो? चारा में जैसे 2-3 लाख का पेमेंट बना तो मुश्किल कहीं 50-90 हजार मिला, 1 लाख रुपया तक मिला, तो उसमें बताओ कई महीना तक खिलाएंगे? और चारा बराबर हम देते हैं, 18-19 लाख रुपया हमारा बाकी भी है।
अच्छा प्रधान जी, ये जो बाकी पैसा आता है जो आप बता रहे हैं 80 से 90 हजार रुपए, ये कौन खा जाता है? कोई नहीं खाता। बाकी पहले 3 लाख आता है, फिर 80-90 हजार मिलता है, बाकी बचता है। आप समझ ना पाए, जैसे मान लिया 2 महीने में यहाँ 3 लाख परमिट बना और रुपया मिला मुश्किल के 90-90 हजार के 1 लाख रुपया, और बाकी पेंडिंग पड़ी है। अच्छा, आज आप गौशाला गए? आज सुबह गए। अच्छा, अभी जो वहाँ की स्थिति है वो आपको खबर मिली? ना अभी तो नहीं, अब जा रहे हैं। अच्छा, रजिस्टर मंगाइए, वो वाला जो जिसमें पंचनामा होता है, वो डॉक्टर साहब पास है। डॉक्टर साहब ने कहा आप प्रधान के पास है? नहीं, वो नहीं। अभी डॉक्टर साहब, तो आप झूठ बोल रहे हो या डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, या जो आपके कर्मचारी हैं वो झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? वो डॉक्टर साहब पास है। चलिए, वो गौशाला पहुंचे, बजरंग दल वाले पहुंचे। चलिए गौशाला चलिए आप। वहाँ पे जो है एक जानवर मरा पड़ा हुआ है, उसकी नाक और आँख सब जो है कौवे नोचते खा रहे हैं, उसकी क्या स्थिति, आप उसको क्या बताना चाहेंगे? यानी हिंदुस्तान में रह रहे हो, गौ रक्षक कह रहे हो, गौ माता मानते हो, उसके साथ ऐसी दंडनीय हालत की जा रही है, आप लोग पैसे का बंडर बांट कर रहे हो? आपको यही नहीं पता प्रधानों की आपके गौशाला को अब तक कितना पैसा मिला है? आपको यही नहीं पता? नालेज करो, हाँ मालूम करो। नहीं, आप प्रधान है, हमारा हक है आपसे पूछने का। हमारा बाकी खुद पैसा है का? अरे वो तो ठीक है, बाकी है दिया, तो आप समझो कि 18-19 लाख रुपया बाकी है, अब कितना मिला है आप ही सोचो। तो क्यों बाकी है? क्यों बाकी है, जब प्रशासन से पैसा नहीं आता तो हम क्या करें? अच्छा अच्छा, ये अच्छा, ये लोग जो कह रहे हैं, जो वहाँ के कर्म बात यहाँ होती है, आप अमित अवस्थी से बोलते हैं, अमित अवस्थी कौन है? अमित अवस्थी कौन है? अमित अवस्थी पत्रकार। तो पत्रकार उनको कितने पैसे आप देते हो? फिर आपके बाबा जी ने जो है बताया है, बयां किया है, हमारे हम लोगों के पास प्रूफ है, जब भी बता रहे हैं। 2000 रुपए उनको मिलता दे देते हो, आवाज ले जाते हैं, महीना ले जाते हैं, आप जो लेबर जो वहाँ पे काम करते हैं गौशाला की, अमित अवस्थी यहाँ से पैसा लेके चले जाते पता जैसे वो। तो अभी वीडियो दिखाया आपको।